You
मेरा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे है, आप लोग चाहें तो बोल सकते हैं। 15 को था और 17 को इनका है, तो मैंने सोचा कि तिवारी जी को भी बिलेटेड बर्थडे कर दिया। हमने पार्टी तो दी नहीं तो याद नहीं रहा, पार्टी नहीं दी ना तो याद नहीं रहा, इसीलिए एक साथ पार्टी नहीं तो आपने बोला नहीं था ना, तो इसीलिए अभी सिंगल वे में हम लोग खा रहे थे और बातें कर रहे थे, डबल खाते थे हम लोग सिंगल वे में खा रहे थे, ये तो गलत बात है। बट बिलेटेड बर्थडे के लिए बहुत बहुत ब्लेस, आप खुश रहे, हंसते रहे, ऐसे ही गाना गाते रहे और हम लोगों को सुनाते रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। करिश्मा और प्रकाश का खासकर आज करिश्मा की बात करूँ, उनकी आज का डे जो है स्पेशल डे जो है, स्पेशल इंट्रेक्शन जो है, हमारी करिश्मा है प्यारी, मैं उनको जब से जानता हूँ, मेरी दो फिल्मों में काम भी कर चुकी हूँ, एक गालीगंज में शायद उनके पास डेट का कुछ प्रॉब्लम था शूट के टाइम में, इससे पहले बिग बॉस में कर चुके हैं और एक फिल्म का अच्छा काम कर, हमने लाइव शोज भी बहुत सारे किए हैं और इनके मैं टैलेंट का फ़ैन हूँ, क्योंकि ये जितनी सुंदर है, सुंदरी जी के बाजू में खड़ी है इसलिए तो सुंदर है, लेकिन साथ में सुंदरी जी के आशीर्वाद से, साथ में सुंदरी जी के आशीर्वाद से ये लड़की करिश्मा जो है वाकई कुदरत का करिश्मा है, जो सुंदरी जी ने कहा बहुत अच्छी गायिका है, बहुत सुरीली गायिका है, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है, बहुत ही खूबसूरत एंकर है, और आज तो उन्होंने साबित कर दिया कि खूबसूरत डांसर भी प्रतिभाशाली है, जिसे सर्वगुण संपन्न कहते हैं, ऑलराउंडर, मैं समझता हूँ कि ऑलराउंडर से पूरी दुनिया मुझे दिखाई दे रही है और पूरी दुनिया एक दिन इनकी फैन होगी, और मैंने ये आज भगवान से प्रार्थना की और दुआ की इनके लिए अगला बर्थडे शाहरुख खान के साथ, इसीलिए तो करिश्मा को, सॉरी करिश्मा कुदरत का है, ये कुदरत का
पठान पार्ट टू के लॉन्च पे हो सकते हैं, गाना भी गाए पठान पार्ट टू। दोनों की ड्रेस देखिए, आप क्या सबमिट करेंगे? देखिए ये तो राजेश खन्ना जी लग रहे हैं। राजेश खन्ना जी, राजेश खन्ना सब इस टाइप के कपड़े ट्रेंड लाए थे काका ने। नीतू सिंह, मतलब अंकल वाले काका नहीं, नहीं वो नीतू सिंह लग रही है। आज ये इन्होंने जो पट्टा पहना है, इससे मुझे लगता है कि ये एक दिन, आज ये मिस पार्टी है, कल मिस इंडिया होगी, परसों मिस वर्ल्ड होगी, फिर मिस यूनिवर्स होगी, तो फिर हम सब मिलके इसको मिस करेंगे। इतनी बिजी होगी, इतनी बिजी होगी। यस, सो नाइस, वेरी नाइस। जियो करिश्मा हजारों साल, यही तेजी दो हजार साल बाद। लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। हंसती रहो, हंसाती रहो, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाती रहो। और जिसका जिसका माइक है मेरे पास रख लो, और मैं माइक का लाल बोलता ही रहूँगा, और इनको सुंदरी जी का सुनना है। जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे ज्वाइन किया मेरे बर्थडे के लिए, आप सब ने समय निकाला, एंड यू ऑल आर हियर। आई एम रियली ब्लेस्ड दिस टाइम, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरे बुलावे भी इतने सारे लोग आएंगे। मुझे लगता था कि बहुत सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं और नहीं कई बार समय होता है। सो आई एम रियली फीलिंग सो मच ब्लेस्ड विद दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग मी एंड मेकिंग माय बर्थडे स्पेशल। इज रियली अ वेरी स्मॉल वर्ड टू से, इट इज अब थैंक यू। और एक करिश्मा के बर्थडे पर आज हमें ये अनाउंसमेंट करनी है कि हमारी फिल्म गाली गलौज, जो गाली गलौज नाम जरूर है, फिल्म में गाली गलौज नहीं है, उसमें प्रकाश ने भी एक्टिंग की है और बहुत अच्छा एक छोटा सा गाना भी गाया है। फिल्म आ रही, रिलीज़ हो रही है, ये दिसंबर या जनवरी सेकेंड वीक तक आ जाएगी। फिल्म साफ सुथरी है, गाली गलौज के खिलाफ है, जरूर देखिएगा फिल्म गाली गलौज, जरूर देखिएगा सुनील भाई की पिक्चर गाली गलौज। मैं बहुत एंजॉय करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर खाना भी है, जहाँ होता है खाना मैं वहाँ हो जाता हूँ दीवाना। टेस्टी फूड बनाते हैं ये लोग, इनके पास में कई बार खाने का मौका मिलता है। बहुत ही गाना और खाना यही तो दो पसंद है इनकी, इसलिए बिना खाना मत जाना। और गाना सुन के जरूर जाना। कल्याण जी जाना, करिश्मा जी आपके कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं? जी मेरे एक्चुअली दो प्रोजेक्ट अभी जस्ट रिलीज हुए हैं, एक एमएक्स प्लेयर पे हुआ है, दैट इज असली लखनवी रोबो, जो कि एक टेक्नो सीरीज है, और प्लीज आप सब जरूर से देखें, एमएक्स प्लेयर पे है, 5 एपिसोड का बहुत एग्जैक्टली, दैट इज द फर्स्ट सीजन, एंड बहुत जल्दी वी आर मतलब people are planning to make it for the season 2 also. So और दूसरी चल रही है और हतरंगी, that is इत्र। तो अगर आप मैंने अभी तक नहीं देखी है, I will be really happy अगर आप सब मेरी सीरीज देखेंगे और मुझे बताएंगे। और हम दोनों का एक बहुत बढ़िया शानदार गाना आ रहा है, उसका अनाउंसमेंट मैं अगली बार करूँगा इधर। आज बड़ी बहुत ही खुशी का मौका है कि करिश्मा राव जो है बहुत ही अच्छी अदाकारा है, कलाकार हैं, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं और अच्छी उद्घोषिका भी हैं ये। उन्होंने कई कार्यक्रम मेरे होस्ट किए हैं, तो मैं उन्हें ढेरों शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं इन्हें दुआ देता हूँ कि उनकी सारी ख्वाहिशें आज पूरी हों, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आज 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर एक ऐसी तारीख है जो आज इस पृथ्वी पर इनका जन्म हुआ और इन्हें ईश्वर ने खास बनाया, क्योंकि कलाकार है, कलाकार हमेशा खास होता है, क्योंकि ईश्वर जो है कुछ ऐसे चंद लोगों को कुछ अदाकारी देता है, उनके बाड़ी में उनके घर में पास सती का पास विद्या पे बहुत अच्छा कार्य है, नहीं है पूरा सपोर्ट है
बीइंग ए म्यूजिक कंपनी मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। हमेशा जब भी मेरा कोई कार्यक्रम होता, प्रोग्राम होता, प्रकाश मेरे भाई है, हमेशा हम लोग एक वी आर ए फैमिली, मैं एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं हम, कहीं रहे ना रहें लेकिन एक परिवार है, परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। हम रोज़ भले ही ना मिले लेकिन जब भी मिलते हैं तो वही प्यार मोहब्बत वही आत्मीयता हमेशा लगाव रहता है ना। तो इसी तरह से वी आर ए फैमिली और एक फैमिली मेम्बर की तरह हम लोग हैं और बड़ी खुशी की बात है कि मेरी बहुत इन्जॉय किया आज, बड़ा मज़ा आया। मैं तो अक्सर ड्रिंक भी नहीं लेता लेकिन आज इनका बर्थडे की खुशी में एक ड्रिंक भी लिया और मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई आज इन्जॉय करेंगे, अच्छा लगेगा। और हमेशा ऐसा होना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी चार दिन की है और इस चार दिन की ज़िंदगी में हम अच्छे से हंसी खुशी एक दूसरे से बातचीत करें, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजर जाए, ये सबसे बड़ी बात है। विश करिए हैप्पी बर्थडे टू यू करिश्मा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे करिश्मा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करिश्मा का करूँगी और प्रकाश जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। और भगवान इनको बहुत सारी खुशियाँ दे, ये ऐसे ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे और साथ साथ हम भी मुझे करो फोटो निकालते। Thank you.